यहाँ पर प्रत्यक्ष स्वरूप से बैठी हुई माता रानी और सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। आत्मा जो है कलकत्ता में है, लेकिन यहाँ स्वरूप शरीर स्वरूप में यहाँ पर विराजमान है। हर जगह से भक्त लोग आते हैं, उनकी यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है और मनोकामना लगाई जाती है, अर्जी लगाई जाती है। नवरात्रि का आज तीसरा दिन है और आज सभी देवी मंदिरों में माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जा रही है। इस वक्त हम रायपुर के काली मंदिर में मौजूद है। ये मंदिर काफ़ी पुराना है और काफ़ी मान्यताओं से भरा ये मंदिर है। इस मंदिर की सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर ये जो मंदिर है वो कोलकाता के काली मंदिर से संबंधित रखता है। और अगर इस मंदिर की बात करें तो ये मंदिर को लेकर ये भी कहा जाता है कि कोलकाता के काली मंदिर से इस मंदिर का संबंध है। कहा जाता है कि माँ काली का शरीर कोलकाता के काली मंदिर में मौजूद है और आत्मा इस मंदिर में मौजूद है। दूर दूर से भक्त इस मंदिर में पहुँचते हैं और मंदिर की मान्यता क्या है इसे लेकर हमारे साथ मंदिर के पंडित भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। पंडित जी, मंदिर की मान्यता क्या है? मान्यता यहाँ से 100-150 साल पुरानी है। यहाँ पर नांगा साधु महात्मा पश्चिम बंगाल से आए हुए थे और उनके द्वारा यहाँ स्थापित हुई थी माता रानी। और ऐसा मानना है कि माता रानी की आत्मा जो है कलकत्ता में है, लेकिन यहाँ स्वरूप शरीर स्वरूप में यहाँ पर विराजमान है माता रानी। प्रत्यक्ष महाकाली विराजमान है और यहाँ पर सभी मनोकामना देश विदेश और हर जगह से भक्त लोग आते हैं, उनकी यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है और मनोकामना लगाई जाती है, अर्जी लगाई जाती है। अच्छा, अगर आज चंद्रघंटा माता का स्वरूप है, पूजन विधि की बात करें तो भक्त किस तरह से पूजा करें कि उनको लाभ मिले पूजा का? माता रानी की आज तीसरा दिन है नवरात्रि का और चंद्रघंटा माता की पूजा करते हैं। नारियल पुष्प, नींबू, अगरबत्ती, धूप बत्ती और नैवेद्य में दूध से बने हुए चीज़ें सामग्रियाँ अर्पित करते हैं माता जी को और माता रानी उन सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। बिल्कुल, तो इस मंदिर को लेकर ये कहा जाता है कि माता रानी सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। और ये जो मंदिर है वो काफ़ी पुराना है, दूर दूर से भक्त इस मंदिर में दर्शन के लिए पहुँचते हैं और आप देख सकते हैं कि तमाम भक्त यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्योंकि आज नवरात्रि का तीसरा दिन है इसलिए मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। कैमरामैन मुकेश दरिया के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर।